अब बच्चे कह रहे हैं मैम पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आती है, क्या करें? ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो, अब तो सर्दियों का टाइम है, एकदम ठंडे ठंडे पानी से आंखें धोया करो। जब ठंडा ठंडा पानी लगता है ना मुंह पे, अरे पूरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे भागते हैं जो आपका कप ऑफ कॉफी से भी नहीं भागे, किसी चीज से नहीं। और दूसरी बात ये होती है, यू डोंट टेक सफिशियंट स्लीप, आप प्रॉपरली सोते ही नहीं हो। आप 3 घंटे सोते हो, उसके बाद कहते हो मैम पढ़ते वक्त नींद आ रही है, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। अपना जितना आज की स्लीप में तुम्हें बेस्ट फील होता है, 6 घंटे 7 घंटे आप लो, ऐसे नहीं 12 12 घंटे सो रहे हो, ठीक है? और तीसरी बात ये है बेटा, यू आर फोकसिंग और गिविंग योर ब्रेन एंड आईज टू दी अदर थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले 3 4 घंटे कोई मूवी देख ली, व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, और उसके बाद आप बोलो कि पढ़ते वक्त आपको टायर्डनेस ना लगे, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप भी ह्यूमन हो, आपकी भी आईज है, आप थक सकते हो। सो स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। ऐसे सोचो आप एक सोल्जर हो, एंड सोल्जर जब भी ड्यूटी पे होता है, क्या वो डिस्ट्रैक्शंस पे होता है? क्या वो डिस्ट्रैक्शंस लेना अफोर्ड कर सकता है? वो नहीं कर सकता। सो बिहेव लाइक वन, ठीक है? सो यू आर ऑन अ वॉर, ऐसे ही सोचो, यू आर ऑन अ वॉर और आपको यही करना है, ठीक है? यू यू हैव टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन।